हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ओके, स्क्रीन क्लियर है सभी को? स्टार्ट करें। यस सर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि एक सीक्वेंशियल सर्किट है, इसमें इनपुट भी होगा आउटपुट भी होगा और आउटपुट का कनेक्शन एक मेमोरी एलिमेंट से होता है और मेमोरी एलिमेंट में जो वैल्यू स्टोर होती है वही वैल्यू वापस से रिटर्न उस सीक्वेंशियल सर्किट में एज अ इनपुट हम लोग देते हैं। इसका मतलब ये हुआ था कि इनपुट और आउटपुट के साथ साथ मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू भी मैटर करती है। तो किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू मैटर करती है, इसलिए उसके अंदर मेमोरी एलिमेंट लगा होता है। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसमें हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, कई सारे टाइप्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप के। उसमें से हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को यूज किया था, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जिसका फुल फॉर्म था सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। हमने उसका लॉजिक डायग्राम भी बनाया था, ब्लॉक डायग्राम बनाया था। उसके बाद हमने उसका ट्रुथ टेबल डिस्कस किया था। ट्रुथ टेबल में हमने देखा था कि किस तरह से एस और आर के इनपुट्स के बेस पर आउटपुट जनरेट होता है। फ्लिप फ्लॉप में दो तरह के आउटपुट थे, नॉर्मल एंड कॉम्प्लीमेंट। साथ ही साथ नॉर्मल आउटपुट लाइन पर दो तरह के स्टेट हमने कंसीडर की थी, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू जो भी हो, या तो वो जीरो हो सकती है या तो वो वन हो सकती है। तो अगर हमने जीरो रखा था तो एस और आर में कोई भी इनपुट यदि होता है तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब यह था कि यदि प्रीवियस स्टेट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो ही है, जीरो होगी, और अगर प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट भी वन होगी। इस सिचुएशन को हमने कहा था नो चेंज कंडीशन। दूसरी सिचुएशन थी हमारे पास कि अगर एस में जीरो और आर में जीरो हो, प्रेजेंट स्टेट यदि हम वन रखते हैं तो नेक्स्ट स्टेट भी वन होती है। सो जीरो के बेस पर जीरो और वन के बेस पर वन, इसे हमने नो चेंज कंडीशन कहा। दूसरी सिचुएशन, जब एस की वैल्यू जीरो हो, आर की वैल्यू वन हो, तो दो केस हो सकते हैं। यदि हम जीरो मेमोरी एलिमेंट में प्रीवियस कैलकुलेशन अगर जीरो है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर फ्लिप फ्लॉप में पहले से अगर जीरो स्टोर्ड है सो वो जीरो में ही कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो होगी। अगर प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट फिर से जीरो होगी, क्योंकि एस में आपने जीरो इनपुट दिया हुआ है। तो एस में जीरो देने का मतलब ये होता है कि फ्लिप फ्लॉप रिसेट कंडीशन में आने वाला है। ये मैटर नहीं करता कि प्रीवियस एलिमेंट क्या है, जीरो है या वन है, कोई भी वैल्यू हो, अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेट जीरो ही जनरेट होने वाली है। तीसरा केस था एस इक्वल टू वन, आर इक्वल टू जीरो। तो यदि एस इक्वल टू वन है, इसका मतलब सेट सिग्नल वन है, तो फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस कैलकुलेशन में जो भी वैल्यू जनरेट हुई होगी और जो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर्ड होगी, अल्टीमेटली वो वन में कन्वर्ट होगी। तो यदि आप जीरो रखते हैं तो भी आंसर वन आएगा,
और यदि आप वन रखते हो तो भी आंसर वन आएगा। इसे हम कहते थे सेट कंडीशन। एंड लास्ट कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि अगर एस और आर में दोनों टर्मिनल पर हाई सिग्नल प्रोवाइड कर दिया जाए, दैट मींस एस भी वन हो गया और आर भी वन हो गया, तो फिर से हमारे पास दो केस होते हैं, या तो प्रीवियस कैलकुलेशन का रिजल्ट जीरो होगा फ्लिप फ्लॉप में, या तो वन होगा। तो जीरो है तो भी हमें डोंट केयर कंडीशन में आंसर आता है, हम नहीं जानते कि जीरो आने वाला है या वन आने वाला है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट स्टेट पर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट कभी स्टेबल ही नहीं हो पाती थी। उसका मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था किस तरह से आपको कनेक्शंस करने हैं और इनपुट सप्लाई करने, ताकि आप उस कंडीशन को अच्छे से एनालाइज कर पाए कि कब फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट को स्टेबल कर देता है, कब हम फ्लिप फ्लॉप को स्टेबल कंडीशन में मानते हैं, राइट? सो स्टेबल कंडीशन वो कंडीशन होती है जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट एज इट इज आनी स्टार्ट हो जाए। ऐसा आपको 3 से 4 बार उसको कैलकुलेट करना होता है, बार बार इनपुट सप्लाई करने होते हैं, तब आपको वो कंडीशन मिल जाएगी कि फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट को स्टेबल कर पाया है या नहीं कर पाया है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि आउटपुट अगर स्टेबल हो भी गया है तो उसके रिस्पेक्ट में जो कॉम्प्लीमेंट है वो सही से हो रहा है या नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट भी आपस में स्टेबल होने जरूरी है। तो अगर नॉर्मल आउटपुट स्टेबल है जीरो पर तो कॉम्प्लीमेंट स्टेबल होना चाहिए वन पे। तो ये भी एक मैंडेटरी कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन है फ्लिप फ्लॉप के लिए कि नॉर्मल आउटपुट और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दोनों ही प्रॉपर तरीके से स्टेबल होंगे, तभी हम फ्लिप फ्लॉप को सेट रिसेट या नो चेंज इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, या उसको हम ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं कि अभी फ्लिप फ्लॉप नो चेंज कंडीशन पर है, या फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में है, या एसआर फ्लिप फ्लॉप रिसेट कंडीशन में है, या एसआर फ्लिप फ्लॉप प्रोहिबिटेड कंडीशन में है, डोंट केयर कंडीशन में है, ना वो सेट हो पाया है ना वो रिसेट हो पाया है। सो एस और आर में अगर दोनों हाई सिग्नल होते हैं तो जो कंडीशन बनती है उसको हम कहते हैं डोंट केयर कंडीशन, या इसे हम प्रोहिबिटेड कंडीशन भी कहते हैं, इसी का तीसरा नाम रेस कंडीशन भी है। ये सभी कंडीशंस इसलिए जनरेट हुई है क्योंकि एस और आर दोनों एक समय पर हाई सिग्नल प्रोवाइड हो चुके हैं। अगर हम दोनों में से किसी को भी एक को लो कर दें तो बेस्ड ऑन द एस और आर, यदि एस यदि वन होगा तो फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है, और अगर R इक्वल टू वन होगा, S इक्वल टू जीरो होगा तो फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो जाता है। बट अगर दोनों सिग्नल हाई हो जाते हैं तो दोनों 5 वोल्ट के करंट को इस तरह से रेस कंडीशन लगती है दोनों करंट में कि उन वोल्टेज में ट्रांजिस्टर सैचुरेट नहीं हो पाता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर में यदि एक टर्मिनल जीरो है, दूसरा अगर 5 वोल्ट है, तो ही ट्रांजिस्टर 5 वोल्ट को ऑक्यूपाई करेगा। अगर दोनों 5 वोल्ट के करंट को लेके जाते हैं तो दोनों टर्मिनल में से एक भी टर्मिनल उस ट्रांजिस्टर के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन पॉइंट ही 5 वोल्ट है। अगर ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन कैपेसिटी 10 वोल्ट होती तो श्योर वो ट्रांजिस्टर 10 वोल्ट पर सैचुरेट हो जाता और अपने आप को सेट कर लेता 1 से। बट क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है, ट्रांजिस्टर बहुत छोटे स्मॉल सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनकी कैपेसिटी केवल 5 वोल्ट के करंट को स्टोर करने की होती है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे रेस कंडीशन बन जाती है, प्रोहिबिटेड कंडीशन बन जाती है, और ट्रांजिस्टर ना सेट हो पाता है ना रिसेट हो पाता है। ऐसे सिचुएशन को हम यहाँ पर रेस कंडीशन कहते हैं या प्रोहिबिटेड कंडीशन कहते हैं। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है एसआर फ्लिप फ्लॉप में रेस कंडीशन या प्रोहिबिटेड कंडीशन किसे कहते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में रेस कंडीशन और प्रोहिबिटेड कंडीशन या डोंट केयर कंडीशन से मतलब ये होता है कि एस और आर दोनों टर्मिनल पर यदि हम 1 सिग्नल सप्लाई करें, दैट इज 5 वोल्ट सप्लाई करें, तो ट्रांजिस्टर ना ही सेट हो पाता है ना ही रिसेट हो पाता है, वो डोंट केयर कंडीशन में फंस जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर का सेचुरेशन पॉइंट ओनली 5 वोल्ट है और आपने 10 वोल्ट उसको सप्लाई कर दिया है, तो वो ना ही सेचुरेट हो पाता है ना ही अनसेचुरेट हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम रेस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे रेस का मीनिंग होता है दौड़ लगाना, रेस करना।
दोनों टर्मिनल दोनों 5 वोल्ट लेकर रेस लगाते हैं कौन पहले उसको सैचुरेट या अनसैचुरेट कर पाता है। अल्टीमेटली रिजल्ट में नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट है उसके बेस पर हम केमैप को यूज करके एक एक्सप्रेशन भी जनरेट कर सकते हैं। ये इतना मैंडेटरी नहीं है, यदि आप एडिशनली करना चाहो तो कर सकते हैं। मैंने आपको केमैप को फिल करना भी बताया है, किस तरह से इनपुट्स को आपको केमैप में फिल करना है, केमैप का अरेंजमेंट क्या होगा, इंडेक्सिंग कैसे होगी, राइट, किस तरह से 1 के पेयर बनाने हैं, 1 को डोंट केयर कंडीशन के साथ ऐड करना है, तो वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है डी फ्लिप फ्लॉप। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड, ये सेकंड टाइप होता है फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स विथ ओनली पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन और नेगेटिव क्लॉक ट्रांजिशन। डी फ्लिप फ्लॉप हमेशा ऑपरेट होते हैं दोनों तरह के क्लॉक पल्स के साथ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप को हम उसमें हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग भी कर सकते हैं और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग भी कर सकते हैं। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब ये होगा कि हम पॉजिटिव क्लॉक पल्स पर इनपुट सप्लाई करेंगे और आउटपुट में चेंजेस देखते जाएंगे। और नेगेटिव क्लॉक पल्स या नेगेटिव ट्रांजिशन का मतलब ये होगा कि हम नेगेटिव क्लॉक पल्स के बेस पर इनपुट को सप्लाई करेंगे और आउटपुट में चेंजेस हम देखते जाएंगे। तो एक फ्लिप फ्लॉप दोनों क्लॉक पल्स पर ट्रांजिट हो सकता है, पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन पे भी काम कर सकता है एंड नेगेटिव क्लॉक पल्स ट्रांजिशन पे भी काम कर सकता है। वेयर इज डी लैच इज ऑपरेट्स विथ इनेबल सिग्नल, जबकि जो डी लैच है, यहाँ पे आपको 2 वर्ड आते आ रहे हैं, वो थोड़ा आपको क्लियर होने चाहिए। लेच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है? तो डी फ्लिप फ्लॉप 2 तरीके से काम करते हैं, या इवन कोई भी फ्लिप फ्लॉप 2 तरह से बना सकते हैं, या तो क्लॉक वाला या तो बिना क्लॉक वाला, राइट? अगर क्लॉक वाला है तो हम उसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, राइट, सिंक्रोनस या फ्लिप फ्लॉप हम कहते हैं, और अगर हम उसमें क्लॉक नहीं लगाते हैं तो वो सिंपल लेच हो जाती है। तो एसआर लेच अगर यदि हमें बनाना है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें उसमें क्लॉक पल्स नहीं देनी होगी, और अगर हम फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं तो हमें उसमें क्लॉक देनी होती है। तो ऐसा किसी भी मतलब फ्लिप फ्लॉप में हो सकता है, अगर लेच बनाना है तो आप उसके अंदर क्लॉक पल्स मत दीजिए, और अगर आपको फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो आपको उसके अंदर क्लॉक पल्स देनी होगी। तो डी फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स with only positive clock transition or negative clock transition, whereas D latch operates with enable signal. आपके ऊपर जो D latch की बात हुई है, ये केवल enable signal पे activate होगा, इसको clock pulse से कोई लेना देना नहीं। That means the output of D flip flop is insensitive to the changes in the input. D except for active transition of the clock signal. The circuit diagram of D flip-flop is shown in figure. So, यहाँ पर केवल एक enable signal हम पास करेंगे, उस enable signal से ही ये जो D flip latch है ये operate होनी start हो जाएगी, और इसका meaning ये होगा कि D flip-flop का जो output है, the output of D flip-flop is insensitive to change in the input. इस तरह से इसका लॉजिक डायग्राम होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि एस आर फ्लिप फ्लॉप जब हमने बनाया था तो उसमें एस और आर 2 टर्मिनल हुआ करते थे, और दोनों टर्मिनल पर ऐसी सिचुएशन एक आई थी जिसको हमने डोंट केयर कंडीशन या रेस कंडीशन बोला था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों में हमने 1 सिग्नल सप्लाई किया था, तो वो एस आर फ्लिप फ्लॉप का एक ड्रॉबैक बनकर आया था कि हम वो सिचुएशन अराइज ही ना होने दे। अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप में ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है कि दोनों टर्मिनल पर आपने 1-1 सप्लाई कर दिया है जिसके कारण से रेस कंडीशन अकर हुई है, तो आप नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप डेवलप हुए
उसमें ये सिचुएशन को ध्यान रखा गया और उस ओवरकम उसके जो ड्रॉबैक थे, उसके जो डिसएडवांटेज थे कि दोनों टर्मिनल पर एक साथ 5 वोल्ट नहीं जाने चाहिए, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगला फ्लिप फ्लॉप तैयार किया गया जिसका नाम था डी। डी का एक्चुअल नाम होता है डेटा फ्लिप फ्लॉप, और डेटा फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग ये है कि हमें यदि कोई इनपुट सप्लाई करना है तो वो इनपुट एज इट इज स्टोर हो जाने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप केवल एक सिंगल बिट को स्टोर करता है। अगर मैंने आपको बिट दी 1010 और इसे मैं आपको कहूँ कि स्टोर कीजिए, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप होने चाहिए। तो 4 फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से एक 4 बिट का रजिस्टर बनेगा। रजिस्टर इज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, राइट। अगर 8 बिट रजिस्टर है इसका बड़ा क्लियर मीनिंग है कि वो 8 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना है। अगर 16 बिट का रजिस्टर है तो वो 16 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना है, राइट। एक फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल बिट स्टोर करती है, तो जितने ही बिट के रजिस्टर होंगे उतने फ्लिप फ्लॉप से मिलकर वो रजिस्टर बना होगा, और रजिस्टर में हम जो वैल्यू देते हैं वो एज इट इज स्टोर हो जाती है। इसी को हम बफर भी कहते हैं, राइट। तो मेमोरी में जिसको आप बफर के नाम से जानते हैं वो एक्चुअल में ऐसे फ्लिप फ्लॉप है जिनका पर्पस केवल इतना होता है कि जो भी यूजर इनपुट देता है उस इनपुट को एज इट इज स्टोर करके रखना। तो जो भी हम इनपुट सप्लाई करें एज इट इज अगर वो रखता है तो वो होगा डी फ्लिप फ्लॉप। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बफर है वो हमेशा डी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं, राइट। इसमें कभी भी रेस कंडीशन अकर नहीं होती है, प्रोहिबिटेड कंडीशन अकर नहीं होती है, क्योंकि यदि आप लॉजिक डायग्राम देख रहे हो तो इससे बड़ा क्लियर मीनिंग पता चलता है कि एक टर्मिनल पर अगर आप 1 देते हो तो दूसरे टर्मिनल पर उसका कॉम्प्लीमेंट पहुंच रहा है। तो एक टर्मिनल पर यदि हम 1 देते हैं दूसरा ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यदि हम यहाँ पे 0 देते हैं तो अगला टर्मिनल पर ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, राइट। तो कभी भी 2 टर्मिनल पे एक जैसे सिग्नल पहुंचेंगे ही नहीं, और अगर सेम सिग्नल नहीं पहुंचेंगे दैट इज 1-1, तो कभी भी रेस कंडीशन आकर नहीं होती है। तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप के ड्रॉबैक को डी फ्लिप फ्लॉप ने ओवरकम किया था। उसका ये ऐसी कंडीशन इसने क्रिएट की थी, उसने रेस कंडीशन को सॉल्व नहीं की बट उसको अवॉइड की, कि उसने सर्किट ऐसा डिजाइन किया कि रेस कंडीशन कभी आ पाए, राइट। साथ ही साथ क्लॉक लगी हुई है, तो क्लॉक लगाने के बेस पर हम इसको कह सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, और यदि हम इसमें से क्लॉक निकाल देते हैं और एक इनेबल सिग्नल एंटर कर देते हैं ताकि पूरा सर्किट एक्टिवेट हो और इनपुट और आउटपुट सेंस होने स्टार्ट हो जाए, तो ये कहलाती है लेच। तो लेच और फ्लिप फ्लॉप में यही छोटा सा डिफरेंस है, क्लॉक अगर है तो वो फ्लिप फ्लॉप होगा, क्लॉक अगर नहीं है उसकी जगह पर कोई इनेबल सिग्नल है तो वो लेच कहलाएगा। तो ये एंड और नॉर गेट से बना डी फ्लिप फ्लॉप का एक लॉजिक डायग्राम है जिसमें एक टर्मिनल पर नॉर्मल इनपुट है डी और दूसरे टर्मिनल पे जो एंड गेट है उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, फिर इनके आउटपुट को आगे नॉर गेट से किया हुआ है और फिर क्रॉस कनेक्शन करते हुए एक कॉम्प्लीमेंट को नॉर में सप्लाई कर दिया है फर्स्ट नॉर में और नॉर्मल को सेकंड नॉर में सप्लाई कर दिया है, और फिर इनके इनपुट के बेस पर आउटपुट को हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल होती है। यदि हम डी में 0 देते हैं तो जो आउटपुट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा, अगर हम डी में 1 देते हैं तो आउटपुट हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये एक डेटा फ्लिप फ्लॉप कहलाता है, इसका मीनिंग है बफर। आप 0 एंटर करोगे तो 0 ही आपको डेटा में मिलेगा, यदि आप 1 एंटर करते हो तो 1 ही आपको वहां पे मिलेगा। तो जो वैल्यू आप एंटर करोगे, यदि आपने 1010 एंटर की तो आपको रजिस्टर में 1010 ही मिलेगा। तो डेटा फ्लिप फ्लॉप में जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट रहेगा। यदि हम इसको प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बेस पर देखें
तो डी में अगर जीरो है, प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो होगी, प्रेजेंट स्टेट अगर वन है तो नेक्स्ट स्टेट भी वन होगी। इसी तरह से डी की वैल्यू अगर वन है, डी की वैल्यू वन है तो प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो होगी, प्रेजेंट स्टेट अगर वन है तो नेक्स्ट स्टेट वन होगी। तो डी की वैल्यू अगर वन है तो ही ये प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में एज इट इज वैल्यू रखेगा। डी की वैल्यू अगर जीरो है तो वो उसे जीरो ही रखेगा, राइट। डी इक्वल टू जीरो पर ये प्रॉपर डेटा फ्लिप फ्लॉप के जैसे काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। टी की वैल्यू जब वन होगी तभी ये डेटा फ्लिप फ्लॉप के जैसे काम करेगा, बफर के जैसे काम करेगा। तो डी की वैल्यू जीरो पर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जीरो है, इसका मतलब अगर प्रेजेंट स्टेट वन भी है तो भी आंसर जीरो आने वाला है। इसलिए यहाँ पर एक ही बार जीरो लिखा हुआ है क्योंकि उसमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो तो जीरो ही रहेगा क्योंकि डी में आपने जीरो अप्लाई किया। और इसी इनपुट को आप इस डायग्राम में ट्रेस करके भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रेसिंग बताई थी। तो यहाँ पर आपको जीरो पास करना होता है डी टर्मिनल पे और प्रेजेंट स्टेट जो यहाँ पे क्यू ऑफ टी है, जो इसका आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का, वहाँ पे आपको कोई ना कोई वैल्यू कंसीडर करनी होगी। यदि आप जीरो कंसीडर करते हैं, डी में अगर जीरो पास करते हैं तो जो प्रेजेंट स्टेट है और जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो जीरो ही मिलेगी। तो प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो होगी, प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट फिर से जीरो होगी क्योंकि आपने डी में जीरो सप्लाई किया हुआ है। दूसरी तरह से हम देखें कि डी में यदि हमने वन सप्लाई किया है तो प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो होगी, और प्रेजेंट स्टेट अगर वन है तो नेक्स्ट स्टेट भी वन होगी। तो डी इक्वल टू वन पर ये पूरा लॉजिक सर्किट एक बफर के जैसे काम करना स्टार्ट कर देता है। और प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का जो ट्रुथ टेबल तैयार होता है उसको हम यदि के मैप में फिल करें तो हम दो इक्वेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो अभी तक हमने दो फ्लिप फ्लॉप देख लिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसका हमने ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, लॉजिक सर्किट डायग्राम। दूसरा हमने फ्लिप फ्लॉप देखा डी फ्लिप फ्लॉप, जिसका फुल फॉर्म था डेटा फ्लिप फ्लॉप, उसका हमने डेफिनेशंस और वो किसका सोल्यूशन है, जो रेस कंडीशन है उसको कैसे अवॉइड किया गया इस फ्लिप फ्लॉप में, वो हमने देखा। ट्रूथ टेबल हमने देखा, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को एनालिसिस किया। नाउ नेक्स्ट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप अल्टीमेटली होते एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है, इन्हीं का एक मॉडिफाइड वर्जन है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो रेस कंडीशन आती थी उस रेस कंडीशन को ही फिर से थोड़ा सा मॉडिफाइड किया ताकि रेस कंडीशन ना आ पाए और जो रिजल्ट है वो सेट या रिसेट इन दोनों में से किसी एक कंडीशन पर हमें मिले। जेके का ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है, जो एस सिग्नल है उसी को हम जे सिग्नल मानते हैं और जो आर सिग्नल है उसी को हम के मानते हैं। तो थोड़ा सा एस और आर में मॉडिफाइड किया, उसके जो लॉजिक सर्किट्स है उसमें थोड़े कनेक्शंस में चेंज किए और उसको एक मॉडिफाइड एक नया वर्जन दिया गया, उसको नाम दिया गया जेके फ्लिप फ्लॉप। सो लेट्स स्टार्ट जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। It operates with only positive clock transition or negative clock transition. The circuit diagram of JK flip-flop is shown in the following figure. JK flip-flop एक SR flip-flop का modified version है. It operates ये हमेशा या तो positive clock transition पर या negative clock transition पर ही operate होता है. Circuit diagram आपको दिख रहा होगा.
एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी हम इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो चेंज होता है कि एक टर्मिनल जो जे है, इसमें जो दो इनपुट है, एक है क्लॉक और एक है जे, राइट। इस तरह से दो इनपुट हम एक एंड गेट में देते हैं, साथ ही साथ जे में जो दूसरा इनपुट होता है वो इस तरह से कनेक्टेड होता है कि जो नॉर गेट का और नॉर गेट का जो इनपुट है उसके साथ, दैट मीन्स ये जो कनेक्शंस है क्यू ऑफ टी डैश, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट का जो कनेक्शन है, उस कॉम्प्लीमेंट के कनेक्शंस को हम जे में देते हैं और नॉर्मल वाला जो आउटपुट है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं के में, राइट। तो कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा, जे और के दो आपको पहले एंड गेट बनाने, एंड गेट में आपको एक इनपुट देना है के, दूसरे एंड गेट में इनपुट देना है जे, एक क्लॉक पल्स लेनी है, क्लॉक पल्स दोनों में आपको सप्लाई करनी है। तो जे और के में दो दो इनपुट हो गए। अब तीसरा इनपुट किस तरह से आएगा, तीसरा इनपुट आएगा यदि हम जे की बात करें तो जो क्यू टी है, क्यू टी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि क्यू टी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट है उसको, उसके कनेक्शन को, उसके जंक्शन को आपको एज अ इनपुट देना है जे में। तो कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करना है एज अ इनपुट जे में और नॉर्मल को कनेक्ट करना है एज अ इनपुट के में। तो क्यू ऑफ टी का एक लाइन आउटपुट में से निकलेगा और के में सप्लाई होगा। तो जे और के में इस तरह से तीन तीन इनपुट आने वाले हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं आगे बताता हूँ, फिलहाल लॉजिक सर्किट डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ जाए। जे और के में दो दो इनपुट तो ऑलरेडी थे, एक क्लॉक पल्स और एक के, एक क्लॉक पल्स और एक जे, और जे वाला जो नैंड गेट है उसमें आपको एक और इनपुट सप्लाई करना है, वो है कॉम्प्लीमेंट वाला, और के में आपको सप्लाई करना एक और इनपुट, वो है नॉर्मल वाला, राइट। तो इन्होंने जो लाइनें एज इट इज जोड़ दी है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्यू ऑफ टी वाले पॉइंट से आपको एक कनेक्शन लेना है और के में सप्लाई करना है, और क्यू ऑफ टी डैश जो कि कॉम्प्लीमेंट है उसके आउटपुट लाइन को आपको कनेक्ट करना है जे के इनपुट लाइन पर। दिस सर्किट हैज टू इनपुट्स जे एंड के, इस सर्किट में दो इनपुट है जे एंड के, एंड टू आउटपुट्स क्यू ऑफ टी एंड क्यू ऑफ टी डैश, मतलब एक नॉर्मल आउटपुट है और एक कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है जो कि हमेशा फ्लिप फ्लॉप में होता है। द ऑपरेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू एस आर फ्लिप फ्लॉप, ऑपरेशन इसका वही होगा जैसा एस आर फ्लिप फ्लॉप में था। हियर वी कंसिडर द इनपुट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप एज एस इक्वल टू जे क्यू ऑफ टी डैश एंड आर इक्वल टू के क्यू ऑफ टी इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द मॉडिफाइड एस आर फ्लिप फ्लॉप फॉर फोर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। तो ये कनेक्शन के बारे में बताया गया कि एस को कनेक्शन हमने कैसे किया है, जैसे यहाँ पर जो जे है वो एस बनेगा, तो क्यू ऑफ टी डैश जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है उसका कनेक्शन हमने जे में किया है, सो जे क्यू ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से जो आर है वो के जैसे काम करता है, तो के इंटू क्यू ऑफ टी, सो इसको आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। अब इसमें जो इसका ट्रुथ टेबल तैयार होता है, जो इसकी स्टेट टेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप की, तो जैसे आपने एस और आर में इनपुट सप्लाई किए थे और प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को एनालाइज किया था, सिमिलरली जेके फ्लिप फ्लॉप में भी होता है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में यदि जे की वैल्यू जीरो है, के की वैल्यू जीरो है, तो क्यू ऑफ टी रिजल्ट जनरेट होता है। जे की वैल्यू अगर जीरो है, के की वैल्यू अगर वन है, तो जो आंसर होगा वो जीरो होगा।
क्योंकि यदि आपको याद हो एस में जीरो और आर में अगर वन रखते थे तो एस इक्वल टू जीरो के कारण फ्लिप फ्लॉप रिसेट होता था, और ये भी उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। तो अगर जे की वैल्यू जीरो है तो ऑलरेडी फ्लिप फ्लॉप रिसेट होने वाला है। तो जे एस के जैसे काम करता है, अगर एस इक्वल टू जीरो है इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप रिसेट होगा। सिमिलरली जे की वैल्यू अगर वन है, के की वैल्यू अगर जीरो है तो फ्लिप फ्लॉप सेट होगा, और जे की वैल्यू अगर वन है, के की वैल्यू अगर वन है तो जो भी आपने प्रेजेंट स्टेट कंसीडर की थी उसका आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में जहां पर रेस कंडीशन आती थी यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, राइट। सो अगर वन वन है, जे में वन है, के में अगर वन है तो प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट वन हो जाएगी, और अगर प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो हो जाएगी। तो ये प्रेजेंट स्टेट को हमेशा कॉम्प्लीमेंट कर देता है ताकि ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों में से किसी एक कंडीशन पर सेट या रिसेट हो जाए। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बाकी तो एज इट इज है। जो एसआर फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन है कि जे इक्वल टू जीरो पर रिसेट, जे इक्वल टू वन पर सेट, जीरो जीरो पर नो चेंज कंडीशन, और वन वन कंडीशन पर कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ये हमें देता है। इसको यदि आप टू टेबल के बेस पर देखें और भी ज्यादा आप डिटेल में कि जे की वैल्यू अगर जीरो है, के की वैल्यू अगर जीरो है, प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो ही रहेगा, प्रेजेंट स्टेट अगर वन है नेक्स्ट स्टेट वन रहेगा, इसका मतलब ये भी नो चेंज कंडीशन हुई। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी नो चेंज कंडीशन आती थी जीरो जीरो के केस में, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में भी नो चेंज कंडीशन आती है। दूसरी सिचुएशन, अगर एस इक्वल टू जीरो है, आर इक्वल टू वन है, दैट मीन्स जे इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू वन, तो फिर से दो सिचुएशन आएगी। प्रीवियस एलिमेंट जो मेमोरी एलिमेंट है फ्लिप फ्लॉप में, हो सकता है जीरो स्टोर हो तो भी आंसर जीरो आने वाला है नेक्स्ट स्टेट में, और अगर प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट फिर से जीरो आने वाला है क्योंकि जे की वैल्यू जीरो है, और जे की वैल्यू जीरो होने पर फ्लिप फ्लॉप हमेशा रिसेट होता है। तो कंडीशन और एनालिसिस करें, अगर जे की वैल्यू वन है, के की वैल्यू अगर जीरो है तो प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो है तो आउटपुट फिर से नेक्स्ट स्टेट वन आने वाला है, और अगर प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट फिर से वन आने वाला है क्योंकि जे की वैल्यू वन है। तो जे की वैल्यू वन पर प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो आउटपुट सेट होने वाला है, और अगर जे की वैल्यू जीरो है तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो आउटपुट हमेशा रिसेट होने वाला है। एंड लास्ट कंडीशन हमारे पास है कि अगर जे में वन है, के में अगर वन है तो प्रेजेंट स्टेट जो भी हो उसका कॉम्प्लीमेंटेड रिजल्ट ही हमें मिलने वाला है। सो जे की वैल्यू वन, के की वैल्यू वन पर क्यू ऑफ टी अगर जीरो है तो क्यू ऑफ टी प्लस वन दैट इज प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट वो उसका कॉम्प्लीमेंटेड होगा, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। तो इस तरह से ये जेके फ्लिप फ्लॉप काम करता है। फिर आप इसके प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को थ्री वेरिएबल के केएमएफ को यूज करके उसका एक एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं। ये था हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप। तो तीन फ्लिप फ्लॉप हम लोग देख चुके हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, एंड फोर्थ वाला होता है टी फ्लिप फ्लॉप, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप का एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है टी फ्लिप फ्लॉप। इट इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग द सेम इनपुट टी टू बोथ इनपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। यदि आप जेके फ्लिप फ्लॉप में देखें तो दो एंड गेट में दो तरह के इनपुट जाते थे, एक में जे और दूसरे में के। यहाँ पर एक ही इनपुट होता है टी, और वही इनपुट दोनों में जाता है, दोनों एंड गेट में जाता है।
इट ऑपरेट्स विथ ओनली पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन और नेगेटिव क्लॉक ट्रांजिशन, ये दोनों ही ट्रांजिशन पर अप्लाई होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पर, जो कि हमेशा सारे फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं. एंड द सर्किट डायग्राम ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा, एज इट इज आपको जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना होता है, बट ध्यान रखना है कि दो एंड गेट में जे और के सप्लाई ना करते हुए टी फ्लिप फ्लॉप को ही दोनों सर्किट में आपको सेंड करना है. दोनों एंड गेट में आपको टी सिग्नल को ही ट्रांसमिट करना है. दिस सर्किट हैज सिंगल इनपुट टी. इस सर्किट में केवल एक सिंगल इनपुट होगा, वो है टी, एंड टू आउटपुट्स क्यू ऑफ टी एंड क्यू ऑफ टी डैश, जो कि एक नॉर्मल आउटपुट होता है और एक कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होता है. द ऑपरेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इज सेम एज दैट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. और टी फ्लिप फ्लॉप का जो ऑपरेशन है वैसा ही होगा जैसे कि जेके फ्लिप फ्लॉप का है. हियर वी कंसीडर द इनपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप एज J equal to T and K equal to T, क्योंकि दोनों एंड गेट में T इनपुट सिग्नल ही है, तो J भी T होगा और K भी T होगा. In order to utilize the modified JK flip-flop for two combination of input, अब क्योंकि दो एंड गेट है तो दो टर्मिनल तो होने जरूरी है और दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज सप्लाई करना जरूरी होगा, तो T वाला जो वोल्टेज है वही दोनों एंड गेट में सप्लाई हो जाता है. So we eliminated the odd other two combinations of JK for which those two values are complement to each other in T flip flop. अब J और K में इस तरह से जो हम combinations कर रहे थे complement output का, जिसके कारण present state और next state हमेशा complement हो रही थी, उसे हमने यहाँ पे eliminate कर दिया. Following table shows the state table of T flip flop. T में अगर 0 है, present state अगर 0 है, next state 0 होगी. T में अगर 0 है, present state अगर 1 है, तो next state 1 होगी. So T equal to 0 पर no change condition. अब आपको ध्यान देना है कि टी फ्लिप फ्लॉप का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे आपको समझ आएगा कि टी की वैल्यू अगर 1 है, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलने वाली है. टी की वैल्यू अगर 1 है, क्यू ऑफ टी दैट इज प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है, तो आंसर आपको 0 मिलने वाला है. तो 0 का 1, 1 का 0, ये तभी होगा जब टी की वैल्यू आप 1 सप्लाई करते हैं, और इसी को कहा जाता है टॉगल कंडीशन, राइट. तो टॉगलिंग वाले जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वही होते हैं टी फ्लिप फ्लॉप. 0 का 1 कर दे, 1 का 0 कर दे, इनका आउटपुट हमेशा 0101 के रेशो में ही जनरेट होता जाता है, इसलिए इनका नाम टी है और टी स्टैंड फॉर होता है टॉगल. और किसी भी सर्किट के आउटपुट को टॉगलिंग करने का मीनिंग होगा 0101 के सीक्वेंसेस जनरेट करना. यदि आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कोई सर्किट टॉगल आउटपुट जनरेट करे, 0101 इस तरह से आउटपुट जनरेट करे, तो आपको टी फ्लिप फ्लॉप यूज करना होता है. और टॉगलिंग तभी होगी टी फ्लिप फ्लॉप में जब टी टर्मिनल पर आपको 1 सप्लाई करना होगा. अदरवाइज टी टर्मिनल पर अगर 0 सप्लाई किया हुआ है तो ये नो चेंज कंडीशन शो करता है. तो ये ध्यान रखना है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप टॉगलिंग तभी करेगा जब टी टर्मिनल पर उसको 1 सप्लाई किया जाए, तभी ये 0 का 1, 1 का 0 जनरेट करेगा, अदरवाइज ये टॉगलिंग नहीं करेगा. और इसकी हम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बेस पर फिर से हम केमैप में इसके कंटेंट को हम फिल करके एक्सप्रेशन बना सकते हैं. द आउटपुट ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप ऑलवेज टॉगल्स फॉर एवरी पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक सिग्नल. क्लॉक सिग्नल की हर एक पॉजिटिव ट्रांजिशन पर ये उसके आउटपुट को टॉगल कर देता है.
when input t remains at logic high 1, और ये तभी होता है जब t की वैल्यू 1 हो. Hence t flip flop can be used in counter. तो सबसे ज्यादा इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हम लोग काउंटर डिजाइन करने वाले हैं इस टी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से, क्योंकि 0101 का जो कॉम्बिनेशन है इसका हम आगे चल के काउंटर में यूज करने वाले हैं. हमें काउंटर डिजाइन करते समय ऐसी सिचुएशन बनानी होती है कि ये 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1 इस तरह से सिक्वेंसेस को जनरेट करें. तो जब मैं आपको काउंटर बनाना सिखाऊंगा फ्लिप फ्लॉप के थ्रू, तब आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा कि टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे किस तरह से यूज हुई है. फिलहाल आप यहाँ पे टी को बस इतना समझे कि ये फ्लिप फ्लॉप है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो नेचर है, ये आउटपुट को टॉगल करने वाला है. और टॉगल करने का मीनिंग है 0 से 1 करना, 1 से 0 करना. मतलब प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी, प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो जाएगी. तो 0 1 1 0 0 1 1 0 इस तरह से जनरेट करता जाएगा. तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप है. एक और फ्लिप फ्लॉप है वो थोड़ा बड़ा है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. वो अभी 5 मिनट में 10 मिनट में मतलब कवर नहीं होगा. उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज के लेक्चर में आई होप आपको क्लियर हुआ होगा SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप. तो टोटल हमारे पास ऐसे 5 फ्लिप फ्लॉप होते हैं. पहला है SR, दूसरा है D डेटा. फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का फुल फॉर्म होता है सेट रीसेट. दूसरा फ्लिप फ्लॉप है डी, उसका फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लिप फ्लॉप, जो कि बफर के जैसे काम करता है. तीसरा फ्लिप फ्लॉप होता है जेके. जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप को ही मॉडिफाइड है, केवल लॉजिक सर्किट में थोड़ा सा चेंज किया और जो रेस कंडीशन है उसको अवॉइड कर दिया. चौथा फ्लिप फ्लॉप था टी फ्लिप फ्लॉप, जो कि जेके का भी सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया और उसमें उसको नाम दिया गया टी फ्लिप फ्लॉप, जिसका फुल फॉर्म था टॉगल. टॉगल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है. और जो फ्लिप फ्लॉप हर बार क्लॉक पल्स के पॉजिटिव राइजिंग पर अपने आउटपुट को बदल दे, इस सिचुएशन को कंप्यूटर आर्किटेक्चर में टॉगलिंग कहा जाता है. टॉगलिंग करना, राइट? तो इसको हमने टॉगल नाम भी दिया गया. तो ये था आज के लेक्चर का कंटेंट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन करें. किसी को भी कोई भी डाउट हो SR में JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप,